क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। जब तक गौतम गंभीर क्रिकेट खेलते थे हर कोई उनका फैन था। क्रिकेट मैदान के बाद राजनीति में भी गंभीर ने अपनी एकदम अलग छवि कायम रखी है। गंभीर के आसपास के लोग बताते हैं कि वो हर किसी का बेहद ख्याल रखते हैं, मगर अब जो काम गंभीर ने किया है वो तो कोई महान व्यक्ति ही कर सकता है। गौतम गंभीर ने ऐसा काम किया है जिसका पुण्य 700 सालों तक उन्हें मिलता रहेगा। तो क्या किया ऐसा गंभीर ने, हम आपको बताते हैं। आप भी गंभीर के लिए कमेंट जरूर करें। तो महामारी के दौर में हर तरफ लॉकडाउन है, कोई भी व्यक्ति कहीं नहीं जा सकता, वो भले ही जिंदा हो या फिर मुर्दा। अब ऐसे में गंभीर ने बेहद बड़ा दिल दिखाया। दरअसल में गौतम गंभीर की 48 साल की मेड का अचानक निधन हो गया। वो ओडिशा की रहने वाली थी। ऐसे में मेड का पार्थिव शरीर उनके घर नहीं ले जाया जा सकता था और ना ही मेड के परिवार वाले दिल्ली आ सकते थे। अब ऐसे में गौतम गंभीर ने वो महान काम किया जो हर कोई नहीं कर सकता। गंभीर ने अपनी मेड का खुद अंतिम संस्कार किया। न सिर्फ अंतिम संस्कार बल्कि गंभीर ने बेटे की तरफ से की जाने वाली सारी प्रक्रिया भी निभाई। गंभीर ने जीवन भर मेड के परिवार का ख्याल रखने का जिम्मा भी उठाया और खुद गौतम गंभीर ने इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी। गौतम गंभीर ने मेड की फोटो शेयर की और ट्वीट करते हुए लिखा, मेरे बच्चों का ख्याल रखने वाली सिर्फ घरेलू सहायिका नहीं हो सकती, वो मेरे घर का हिस्सा थी। उनका अंतिम संस्कार करना मेरा फर्ज था। मैं जीवन भर उनके परिवार का ध्यान रखूंगा एक बेटे की तरह। वाकई में अपनी मेड का बेटा बनकर अंतिम संस्कार करने का काम हर किसी के वश की बात नहीं है, मगर गंभीर ने तो ये कर दिखाया। अब आपका गंभीर के इस महान काम को लेकर क्या कहना है, कमेंट जरूर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।